हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आइयो बच्चे होंगे। मेरा नाम है आरवी यादव रंबे, आप देख रहे हो टेक्नो 2.0। आज हम कुछ इस तरह का पोस्टर डिजाइनिंग करने वाले हैं जो आपको स्क्रीन पे देखने को मिल गया। इसका PLE फाइल, PNG फाइल आल नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। पूरा फुल वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो में आपको कहीं भी देखने को पासवर्ड मिलेगा जो फाइल को आपको अनजिप करना है। तो इसको इस तरह का पोस्टर डिजाइनिंग करने के लिए आपको दो एक अप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, बाकी आपको सारे के PNG की ज़रूरत पड़ेगी। तो और PLE फाइल भी उस वीडियो में दे दिया जाएगा, उसी वाले फाइल में आपको PLE फाइल भी देखने को मिल जाएगा। तो पूरा फिर वीडियो जरूर देखिएगा। वीडियो में आपको कैसे कैसे क्रिएट करना वो सब हम इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक अप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है पिक्सेल अप्लीकेशन। तो हम चलिए पिक्सेल अप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। तो जैसे ही पिक्सेल ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का नोटिफिकेशन मांगेगा। तो नोटिफिकेशन की जगह आपको न्यू टेस्ट आएगा, इसको डिलीट कर देना है। उसके बाद जो फाइल आपको पूरा फुल वीडियो देखने के बाद अनजिप करना है, अनजिप करने के बाद आपको फिर से पिक्सेल एप्लीकेशन में आना है। तो उसको 3 सेकंड क्लिक करना, उसको यूज फॉर इमेज गैलरी पे जाना है। यहाँ पर जाने के बाद आपको उस वाले फाइल पे जाना जो फाइल को आपने अनजिप किया था। उस फाइल को हम चलिए दिखा देते हैं। तो उस फाइल भी आपको आपको इंटरनल में जाना है। इंटरनल में जाएंगे तो आपको कुछ इस तरह का फाइल आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है नवरात्र पोस्टर 7, ठीक है। इसको आपको ऑन ऑन करना है। ऑन करने के बाद आपको यहाँ पर बैकग्राउंड देखने को मिलेगा। बैकग्राउंड को सेलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिकली कुछ इस तरह का बैकग्राउंड आपको साइज सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको अगला वाला PNG लेने के लिए आपको प्लस पे सेलेक्ट करना होगा और फोर गैली पे जाना है। यहाँ पर जाने के बाद इंटरनल में जाना है। इंटरनल में जाने के बाद आपको फिर से वाले उसी वाले 7 वाले फाइल पे चले जाना है। उसके बाद कुछ इस तरह का PNG देखने को मिलेगा। इस PNG को सेलेक्ट करना, बैकग्राउंड है। उसके बाद आपको रिलेटिव साइज का ऑप्शन देगा, इसको 100 कर लेना, ओके कर देना है। उसके बाद फिर से प्लस वाला सेलेक्ट करना है, फोर गैली पे जाना है। यहाँ पर जाने के बाद आपको फिर से उसी वाली फाइल में आपको आ जाना है। उसी वाली फाइल में जाने के बाद आपको फिर से टाइप करना। टाइप करने के बाद आपको कुछ इस तरह से आपका कुछ इस तरह PNG शो करेगा। PNG को सेलेक्ट करना है और इसका रिलेटिव साइज 100 कर देना, ओके कर देना है। उसके बाद फिर से प्लस वाला सेलेक्ट करना है, फोर गैली पे जाना है। उसके बाद जाने के बाद फिर से उसे टाइप फाइल पे कर लेना है। उसके बाद आपको चलना 7 में। 7 में जाने के बाद कुछ इस तरह से माता रानी का PNG लेना है। PNG लेने के बाद आपको ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ पर रिलीव साइज 100 कर देना, ओके कर देना है। कुछ इस तरह से माता रानी का PNG लग जाएगा। उसके बाद फिर से प्लस वाला सेलेक्ट करना है, फोर गैली पे जाना है। यहाँ पर जाने के बाद फिर से उसी वाले फाइल पे आपको जाना, पोस्टर नंबर 7 पे। तो यहाँ पर 7 पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको कुछ इस तरह का आपको बॉर्डर का PNG देखने को मिल जाएगा। इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर रिलेटिव साइज होता है इसका 100 कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर रिलेटिव साइज का ऑप्शन देगा, इसको 100 कर देना, ओके कर देना है। उसके बाद फिर से प्लस वाला सेलेक्ट करना है, फिर गैली पे जाना है, यहाँ पर इंटरनल पे जाना है। उसके बाद फिर से उसी वाली फाइल पे आपको देखना है कुछ अगला स्टेप का जो PNG है उसको हम सेव करेंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ होगा आप सभी देशवासियों को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं, इसको सेलेक्ट करेंगे और इसका रिलेटिव साइज आप अपने हिसाब से भी मैनेज कर सकते हो, या तो 100 कर देंगे, ऑटोमेटिकली कुछ इस तरह से सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको PNG फोटो लगाना है, तो फोटो लेने के लिए प्लस पर सेलेक्ट करेंगे, फोर गैली पे जाएंगे। उसके बाद आपको अपने इंटरनल में जाना है, जो भी फोटो आपको रखे होंगे उस फोटो को सेलेक्ट करना है। जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ कुछ इस तरह मेरा फोटो, इसको सेलेक्ट ठीक कर लेते हैं। और सेलेक्ट करने के बाद आपको इसका आपको रिलेटिव साइज 100 कर सकते हो, या तो आप अपने हिसाब से अपना फोटो सेलेक्ट करके लगा लेना है। उसके बाद फिर से प्लस वाला सेलेक्ट करना है, फोर गैली पे जाना है। यहाँ पर जाने के बाद कुछ इस तरह का PNG देखने को मिल जाएगी उसी वाले फाइल में, नेम प्लेट का PNG। तो इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम अपना नेम प्लेट यहाँ पर से सेलेक्ट करके यहाँ पर कुछ इस तरह से नेम वाला PNG सेलेक्ट करना है। और सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर रिलेटिव साइज 100 दिखेगा, ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको यहाँ पर नाम लिखना है। तो नाम लिखने के लिए फिर से प्लस पर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से न्यू टेस्ट ले लेंगे और यहाँ पर न्यू टेस्ट को यहाँ पर टेस्ट को डिलीट पूरा डाल डिलीट करके अपना लिख लेना है। तो यहाँ पर मैंने PNG पहले से ही बनाया था, उस PNG को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। बाकी आप अपने हिसाब से इसको अपना नाम लिख लेना है। तो यहाँ पर 7 पे जाते हैं। 7 में जाने के बाद कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, कुछ इस तरह का मैंने अपना नाम लिखा है, PNG डाला था, तो इसको हम ले लेते हैं। उसके बाद सारा पोस्टर PNG आपका सेलेक्ट हो जाएगा। उसको आपको सेव कैसे करना है, सेव करने के लिए सेव पे क्लिक करना है, सेव पर इमेज पे जाना है, क्वालिटी पे तो अल्ट्रा करके सेव टू गैलरी पे सेव कर लेना है। अगर आपको हमारा PLE फाइल पेज फाइल आपको अच्छा लगा प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबाने वाले लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिलता रहे। चलिए मिलते हैं अगली बड़ी साथ। जय हिंद, जय भारत।